भारत की सीमा के पास एक गांव में रहता था। बचपन में ही उसके माँ बाप का निधन हो गया था, फिर भी वह अकेला नहीं था। गांव के सभी लोग उससे प्यार करते थे। स्कूल से लौट कर राजू गांव का चराने ले जाता था। वही बीच में समय निकाल कर अपना स्कूल का पढ़ाई भी समाप्त कर लेता था। एक दिन दोपहर के समय उसकी सारी बकरियां इधर उधर चल रही थी। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर अपने स्कूल का काम कर रहा था। अचानक से दूर से फौजी अफसरों की भारी भरकम मूटों की आवाज़ सुनाई पड़ी। पिछले कुछ दिनों से पड़ोस के कुछ आतंकवादियों की आसपास इलाकों में घुसपैठ जारी थी। पड़ोसी इन हरकतों से गांव वाले भी परेशान रहते थे। वे लोग उनके गांव में लूट फूट व मारपीट भी करते थे। राजू सोचा करता था बड़ा होकर वह भी फौजी में भर्ती होगा और अपनी बंदूक से इन सब दुश्मनों को मार गिराएगा। राजू अपने विचारों में खोया हुआ था कि फौजियों की कदमों की आवाज़ एकदम से उसके करीब आ गई। बहुत से फौजी बड़े मैदान में कुछ बातचीत कर रहे थे। सुत्तावास वह उनकी करीब चला गया। वह चुपचाप उनका बात की बात सुनने की कोशिश कर रहा ही कर ही रहा था कि उनमें से एक बड़े बड़े मूंछों वाला हट्टा कट्टा धारी भारतीय सैनिक आवाज में उससे पूछा, कौन हो तुम? मैं एक बार तो राजू घबरा गया पर फिर जोर से न टान कर जवाब दिया, मैं इस देश